अस्सलाम वालेकुम। इन टुडेस वीडियो वी आर गोइंग टू सॉल्व द पीएच न्यूमेरिकल, सो एंड तक देखिएगा एंड लेट्स स्टार्ट। सो इन दिस क्वेश्चन यहाँ कहा जा रहा है दैट अ सॉल्यूशन ऑफ HCl मींस एसिड का सॉल्यूशन है जिसमें हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन हमें गिवन है 1 exp −3 और इसका यूनिट एक्चुअली होता है मोल पर डीएम क्यूब, तो मैं यहाँ पे कैपिटल एम से भी डिनोट कर सकती हूँ इसे। देन कैलकुलेट इट्स pH, आपको इसका pH फाइंड आउट करना है। सो लेट्स मेक अ डेटा फर्स्ट। सो इन द डेटा पार्ट यू हैव टू मेंशन द एच आयन कॉन्सेंट्रेशन जो हमें गिवन है, लाइक 1 exp −3। यू कैन राइट कैपिटल एम एज अ यूनिट और यू कैन राइट मोल DmQ। Okay, so these two are the units for the concentration. उसके बाद हम find out क्या करना है, we have to find the pH of this quotient. So let's move to the solution part. In the solution part, we are going to write first the formula. फॉर्मूला में हमारे पास सबसे पहले आ जाता है pH का फॉर्मूला, दैट इज़ pH इज इक्वल्स टू माइनस log हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। ओके, दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर द pH। अब आगे मूव करते हैं। फॉर्मूला के बाद हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग आती है कैलकुलेशन पार्ट की, सो लेट्स डू दैट। कैलकुलेशन, सो वी आर गोइंग टू राइट द pH इज इक्वल्स टू माइनस log और हाइड्रोजन आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन हमें गिवन है वो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 exp −3। अब आप क्या करेंगे, आप अपना कैलकुलेटर ओपन करेंगे। सो फर्स्ट यू हैव टू राइट माइनस log 1 exp −3 एंड आंसर। सो व्हाट यू गेट इज 3। ओके, सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज pH इज इक्वल्स टू 3 and it has no unit. Okay, I hope you get it. Let's move to the next numerical now. Okay, so this is our second numerical, so let's start. A solution of HCl has pH of 2.3. एक solution है HCl का जिसका आपको pH given है 2.3 और आपको find out क्या करना है, you have to calculate the pOH एंड हाइड्रोजन आयन। अब आपको रिवर्स जाना है, अब आपको pH की बने आपको हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करनी है और आपको pOH फाइंड करना है। सो लेट्स फाइंड इट। फर्स्ट वी हैव अ डेटा पार्ट, इन विच वी आर गोइंग टू राइट द गिवन pH, दैट इज 2.3 एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड इज pOH and the next thing is hydrogen ion concentration. So these are the two things we need to find in this numerical. So let's come to the solution part. In the solution part we are having the two headings, formula plus calculation. तो क्योंकि यहाँ पर हमें दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, तो हमारे पास अगर आप कॉपी में अपने कर रहे हैं तो आप ये भी कर सकते हैं कि अपने सॉल्यूशन के बाद सेंटर में एक लाइन ड्रॉ करके pOH एक साइड पे फाइंड कर सकते हैं और हाइड्रोजन आयन एक साइड पे फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर इस तरह नहीं तो ए पार्ट बी पार्ट करके भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि आपकी प्रेजेंटेशन जितनी अच्छी होगी उतना आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट योर प्रेजेंटेशन इन द एग्ज़ाम। ओके, सो फर्स्ट वन इज़ द pOH। तो अब हम क्या करेंगे, pOH का फार्मूला लिखेंगे। ए मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि हम ए पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको मेंशन पहले ही कर देना है कि वी आर सॉल्विंग दिस पार्ट, तो हम उसका फार्मूला और कैलकुलेशन यहाँ पे लिखेंगे। तो फार्मूला में हमने जो फार्मूला यहाँ यूज़ करना है वो लिखेंगे pH प्लस pOH
इज़ इक्वल्स टू 14। ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे POH को फाइंड आउट करने के लिए। फिर हम जाते हैं हमारे कैलकुलेशन पार्ट पे। सो ऐसे शॉर्ट में लिख देते हैं, वैसे आप फुल लिखिएगा, मैं सिर्फ टाइम सेव कर रही हूँ। लाइक PH हमारे पास है 2.3 प्लस POH एज इट इज़ बिकॉज वी हैव टू फाइंड इट, और यहाँ पे आएगा 14। फिर आप क्या करेंगे, इस 2.3 को वहाँ शिफ्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कुछ इस तरह से। POH यहीं पर ही है, 14 माइनस 2.3। इस बात का ख्याल रखिएगा कि इसको वहाँ शिफ्ट नहीं करना है, इसको आप शिफ्ट करेंगे तो ये नेगेटिव में चला जाएगा, और फिर ये इसको शिफ्ट करेंगे नेगेटिव में तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। सॉल्व तो हो जाएगा बट थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, और कोई आंसर भी हो सकता है आप नेगेटिव में लिखते हैं और नेगेटिव में कभी आंसर नहीं आता, तो इस तरह स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। तो किसी को शिफ्ट नहीं करना, जो स्मॉलर वैल्यू है उसी को शिफ्ट करें ओनली। अच्छा, इसके बाद हमने इसका POH का आंसर निकाल दिया, दैट इज़ आफ्टर सब्सट्रैक्टिंग यू विल गेट 11.7। ओके, सो दिस इज़ योर POH। अब हमारा POH का सिलसिला हो गया है ख़त्म। अब सो नेक्स्ट वन इज़ द हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, जिसको अब हम फाइंड आउट करेंगे। और यहाँ पर जो फार्मूला यूज़ हम करेंगे वो हम यहाँ पे हेडिंग लगाएंगे ओनली। फार्मूला आपको पहले ही फर्स्ट न्यूमेरिकल में मैंने बता दिया था, दैट इज़ PH इज़ इक्वल्स टू माइनस log एंड हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन। हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन को अपने ब्रैकेट्स में लिखना है, ब्रैकेट्स में इसलिए लिखना है बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन को हम ब्रैकेट्स में शो करते हैं। सो फर्स्ट रो न्यूमेरिकल में भी इसका ख्याल रखिएगा। आई थिंक आई फॉरगॉट टू राइट द ब्रैकेट्स, तो ब्रैकेट्स आपने ज़रूर लगाने हैं, ओनली स्क्वायर ब्रैकेट्स। अच्छा, उसके बाद हम कैलकुलेशन पे जाते हैं। कैलकुलेशन पार्ट पे हमने पुट करना है नाउ ओनली द नंबर्स। PH हमारे पास है 2.3, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2.3, और क्योंकि यहाँ पे है माइनस log हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन हमें फाइंड आउट करनी है, तो ये एज इट इज़ जाएगी। ओके, अब देखिए अब हमने क्या करना है, हमने इस 2.3 का एंटी log फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा। जब log का एंटी log निकाला जाता है तो कुछ ऐसे लिखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे हाइड्रोजन आयन लिखेंगे, और हमने log नहीं बल्कि अब हमें निकालना है एंटी log। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे क्योंकि हमें चाहिए हाइड्रोजन आयन, तो इसलिए हम निकालेंगे एंटी log लिखेंगे, एंड वी हैव टू राइट माइनस भी है इसलिए हम इसके साथ माइनस लिखेंगे। 2.3 की वैल्यू थी तो 2.3 भी हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। अब देखते हैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल हम यहाँ पे किस तरह से करते हैं। तो यहाँ पे भाई कैलकुलेटर का इस्तेमाल हम कुछ यूँ करते हैं कि सबसे पहले हम लिखेंगे शिफ्ट क्लिक करेंगे, और इसके बाद ये log को क्लिक करेंगे। log के ऊपर क्योंकि एंटी log है इसलिए हम शिफ्ट इंटर करके एंटी log पे जाएंगे। उसके बाद लिखेंगे माइनस और 2.3 लिखेंगे जो वैल्यू गिवन है हमें, एंड यू विल गेट व्हाट 5.0 एक्सपोनेंट माइनस 3। पॉइंट के बाद टू डिजिट्स भी अगर आप लिख लेंगे सो इट्स इट विल बी इनफ। तो हम यहाँ पे लिखते हैं हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज 5.01 एक्सपोनेंट 3। ओके, एंड वी कैन राइट कैपिटल M as our unit for the concentration, or you can write mole per dm cube, right? You have two units, I have told you before. So this is all for today. अगर आपको बोर्ड एग्जाम्स के अकॉर्डिंग बताऊँ, सो दिस वन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल फॉर द बोर्ड एग्जाम्स। सो हैव अ गुड डे, लव इज़।